मॉर्निंग गाइस, क्या टाइम हो रहा है दोस्तों? 8 बज चुके हैं और आज हमको जाना है शादी में राजस्थान, हिंडौन के पास। तो फटाफट से बस रेडी होते हैं और चलते हैं शादी में, बियर्ड भी सेट करवाने। तो पहले हम चलते हैं शेविंग करवाने, बियर्ड सेट करवाने, थोड़ा सा बियर्ड सेट करवा लेते हैं, फिर आके रेडी होते हैं फटाफट से। गाइस, शेविंग हमने करा ली है एकदम बढ़िया से, तो अब मैं नहाने जा रहा हूँ, जैकेट डालनी है। तो ये जो ग्रीन कलर की जैकेट है ये मैं डाल लूंगा इसके ऊपर और हम निकल जाएंगे। और बियर्ड वेड एकदम मस्त सेट करवा ली है मैंने अपनी, बस हेयर कॉम करना रह गया है। और हेयर कॉम करने के बाद फाइनली मैं एकदम बढ़िया से रेडी हो जाऊंगा और हम अपना बैग हमने पैक कर लिया है और फिर हम चलेंगे बाय ट्रेन, हम जाएंगे और दीपक भी हमारे साथ जाएगा, तो हम दीपक के घर भी चलेंगे और वहां से फिर हमारा कंटिन्यू रहेगा ब्लॉग। तो चलते हैं फिर, बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये है शानवी, तो शानवी अब हम जा रहे हैं शादी में। अरे स्माइल कर दी शानवी ने, तो अब हम जा रहे हैं शादी में और ये हमारा बैग एकदम रेडी हो गया और हम निकल रहे हैं अब। और निकल के हम दीपक के पास पहुंचेंगे और फिर वहां से हम मेट्रो लेंगे और मेट्रो से ट्रेन पकड़ेंगे बल्लभगढ़ से। तो चलते हैं, हम दीपक के घर पहुंच चुके हैं, तो अभी दीपक रेडी हुआ है कि नहीं हुआ वो देखते हैं। तो ये दीपक अभी रेडी हुआ नहीं है, वो आजी भी है इधर, ये पता नहीं कौन बच्चे हैं, अपने ही बच्चे हैं। हेलो करो। अरे अरे दीपक तो फाइनली गाइस मेट्रो से हम उतर गए हैं। ये है पीछे हमारा मेट्रो स्टेशन, तो बल्लभगढ़ उतर गए हैं। और बल्लभगढ़ भाई ये देखना, ओ भाई पुल देखो, एक बार पुल पे नजर मारो, फुटओवर है, मतलब क्या फुटओवर ब्रिज बनाया भाई इतना लंबा। और ये ना ये पुल ये सीधा आपको ना बल्लभगढ़ स्टेशन जोड़ देगा, ये बल्लभगढ़ मेट्रो से सीधा आपको बल्लभगढ़ स्टेशन जोड़ देगा, है ना दीपक भाई, सही बोल रहा हूँ ना? तो आपको बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन उतरना है और वहाँ से सीधा बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन छोड़ देगा। तो चलते हैं, फाइनली गाइज हम मथुरा पहुँच चुके हैं। तो मथुरा पहुँच चुके हैं और ट्रेन पहले ऑलरेडी लेट हो चुकी है। बाहर देखो दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ है, चावल देखो खाने बोले ना दोनों के लिए। तो फाइनली गाइस, क्या फाइनली लगा रहे हैं। तो गाइस हिंडौन सिटी स्टेशन हम पहुंच चुके हैं, हमारी ट्रेन जा रही है आगे। तो अब हिंडौन सिटी से हम लेंगे जीप और जीप से हम पहुंचेंगे बिशनपुरा गांव। तो मिलते हैं आपको बिशनपुरा गांव में। तो भाई अब हम ही कचौड़ी खा रहे हैं, तो कचौड़ी खा लेते हैं थोड़ी सी ताकि हमारी भूख थोड़ी सी मिट जाए, फिर हम चलते हैं गांव के लिए, ठीक है? तो गाइस अभी अंधेरा हो चुका है और हमें बहुत डर लग रहा है, अभी तक हम गाँव नहीं पहुँचे हैं शादी वाले घर में, हंसू है भाई। गाइस रात हो चुकी है एकदम, अभी तक हम गांव नहीं पहुंचे हैं, शादी वाले जो घर है वहाँ पे दोस्त की बहन की शादी में अभी तक नहीं पहुंच पाए हम, क्योंकि हम कहाँ खड़े हैं, गाजीपुर टावर के पास हम खड़े हैं और अभी तक हमें यहाँ से कोई साधन नहीं मिल रहा है। कुछ दुकानें खुली हैं और भाई ये मतलब लोग ऐसे ऐसे आ रहे हैं, अजीब से डरा रहे हैं हमें। तो बस हमने किसी को बुलाया वहाँ से अपने दोस्त के भाई को, वो आ रहा है हमें लेने, फिर हम पहुँच जाएंगे शादी वाले घर में। तो गाइस फाइनली शुभम भाई हमें लेने आ गए भैंसा से, मतलब भैंसा गाँव से। तो हाय करिए सब, तो बस भी आ गई थी ये भी आ गए, तो चलते हैं हम इनके गांव बिशनपुरा। तो फाइनली गाइस हम घर पहुंच चुके हैं बिशनपुरा। तो
अरे राम, तो ये बिशनपुरा गांव आ गए हम। ये तो वीडियो बना लिया ना। अबे तेरा फेस आ गया। तो फाइनली गाइस हम बिशनपुरा पहुंच गए हैं। ये अजय विशिष्ट की शादी है, हमारी शादी, शादी बच्चे लोग, बच्चा पार्टी। तो आगे चलते हैं, फूलों की पार्टी। पूरा पहुंच चुके हैं और डीजे वीजे चल रहा है बढ़िया से। तो अभी हम मम्मी पापा सबसे मिल चुके हैं, लड़की से नहीं मिले अभी, बहन से हम नहीं मिले जिनकी शादी है। और ये देखिए सजावट, बैठ के जाएगा, बढ़िया सजावट हो रखी है। मेरी आवाज़ कम आ रही होगी। अच्छे प्रोग्राम में हमारा हल्दी तुम्हारे दिन में आते ना तो बहुत मजा आता, एंजॉय आता। ये कह रहा दिन में आते तो एंजॉय आता। ओपन रूम पर क्या बैग सब रहे इन दोनों के? कौन सा लोग? ये है जुलन, कोमल सिस्टर हमारी, ये भाभी है हमारी। दे दो कब से आई हुई है तो ये भाभी है मेरी, आंटी जी भाभी हो। ब्लॉग चल रहा है दिल्ली से। तो डीजे फिलहाल अभी बंद हो चुका है, तो अभी वो चाक बजा था ना, अभी चाक पूजन हो गया, हो गया ना अभी, तो हल्दी हो गई, हल्दी दिन में हो गई, हल्दी तो दिन में हो गई, तेल भी, तेल भी हो गया। बहुत लेट पहुंचे हैं तो अब हम बस शादी देख पाएंगे। कोई नहीं, आए अच्छा लगा। तो डे वन को ही खत्म करते अपन, कर देते हैं। तो डे वन को ही खत्म करते हैं हम, कल मिलते हैं हम सुबह और फिर सीधा शादी में मिलेंगे शाम को। बाय गाइस, अब हम एंजॉय करेंगे। यह है गाँव का नज़ारा सुबह सुबह का। देखते हैं कि ये दीपक उठाए नहीं उठा सोके। अरे अरे भाई साहब, ये देखो देखो जूते देखो इनके, ये सोके उठ चुके हैं हमारे एडिटर भाई साहब। तो फिर अभी नाश्ता वास्ता करने चलेंगे। मैं तो फ्रेश फ्रेश हो लिया, तू फ्रेश हो ले नीचे वॉशरूम में और मिट्टी से हाथ धो लिया। भाई गांव में मिट्टी से हाथ धोते हैं, ठीक है ना, साबुन की जरूरत नहीं पड़ती, ये हमारे प्यारे से गाँव में। चल ठीक है ना, नाश्ता वास्ता करते हैं। भाई जूतों की एकदम लग चुकी है देखो हालत, मतलब ये ब्लॉग बनाने का नतीजा है इसके। मजे दो लाया था, देखो भैंस भी हंस रही है मेरे पे। चाय पकौड़ी का नाश्ता करते हुए सुबह सुबह हमारे दीपक भाई और हम। तो अब बात ही होगा, स्वागत हो रहा है, जो कि बात बढ़ते हैं मामा, लड़की के मामा। डीजे के साथ उनका स्वागत हो रहा है। हेलो गाइस, तो बात बनने का मतलब जो भी प्रोसेस है वो चालू है। तो जो बात की वीडियो है ना वो मतलब आप मेरे पहले वाले पेज पे या फिर पहले वाले की जो वीडियोस है नीचे जाके देख सकते हो, उसमें पूरी बात की वीडियोस है। और जो बात का जो प्रोसेस होता है ना वो वैसे रात में होता है, लेकिन अभी दिन में कर दिया गया है क्योंकि सर्दियों की वजह से दिन में बात भर देते हैं। तो लड़की वाले के यहाँ, लड़के वाले के यहाँ दोनों जगह से बात भरा जाता है और मामा आते हैं, मामा जो आते हैं ना वही बात भरते हैं। बाकी बात के बारे में जो भी डिटेल्स होगी ना वो मेरी पुरानी वीडियोज़ में है। बच्ची भी हमारे ब्लॉग में आ गई है। बच्ची का नाम क्या है? लावीरा। क्या? लावीरा, लावीरा, लावीरा इसका नाम है। ए, ये कैसे लग गई, ये कैसे लग गई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बोलो हमारे चैनल को, बोलो 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 बोलो। हेलो गाइस, हेलो। तो जो अभी लेडीज है वो गीत गा रही हैं और बात खत्म होने वाला है।
पापा मम्मी ने बांध ओढ़ लिया है आखिरी में, और पैंटे वैंटे बांधने का कार्यक्रम खत्म। तो बहन की शादी में थोड़ा सा सहयोग करते हुए जीजा जी के लिए तखत ले जा रहे हैं ताकि वो आ सके और यहाँ पर विश्राम कर सके, जो बराती हैं थोड़ी सी, और उनके लिए इधर नाश्ता वास्ता लगाया जाएगा, आराम करने के लिए तखत लगाया जा रहा है। तो शादी की तैयारी एकदम हो चुकी है, टेंट वेंट बढ़िया लग गया है और सारा ड्रोन व्रोन का सिस्टम लग गया है, बढ़िया से एकदम सजा दिया गया है, और डीजे भी बहुत बढ़िया चल रहा है जिसमें बार बार मनीषा मनीषा वाला गाना चल रहा है, शादी करवा दे। तो चलो आपको थोड़ा सा डेकोरेशन दिखा देते हैं। हेलो गाइस, तो बारात आ चुकी है, तो हम चलते हैं बारात के जो एंट्री है ना वहाँ पे, बारात की जो एंट्री है वहाँ पे चल रहे हैं, जहाँ से बारात गेट से आ रही है, तो वो दिखाते हैं हम आपको, ठीक है, और उसके बाद हम सीधा अंदर चलेंगे। बारात आ चुकी है लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हम अंदर जा नहीं पा रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से, और ये बाराती कुछ ज़्यादा ही खुश है, तो हम अंदर जा नहीं पा रहे हैं, तो फिर जैसे ही मतलब जीजा जी जो दूल्हे हैं वो जैसे ही इधर की तरफ आ जाएंगे अपने स्टेज के पास, तब हम आपको दिखा देंगे, और बाकी बाराती जो लोग हैं वो आ चुके हैं और खाना वाना खा रहे हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। कर हक चली जट नु पुठ।
फेरों की रस्म चालू हो गई है, स्टार्ट हो गई है फेरों की रस्म। तो बस फेरे स्टार्ट हो गए हैं, वही सब हम आपको दिखाएंगे और बाकी हम फिर सुबह मिलेंगे आपसे। अब दूसरा वचन कन्ना मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का आदर करें उसी प्रकार मेरे माता पिता का आदर करें और अपने कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धार्मिक कार्य को करते हुए ईश्वर के भक्त बने रहे तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। यह वचन दूसरा वचन कन्या ने वर से मांगा। पाश्चात शिक्षा धर्मं सर्वजेनं तिरता संस्कृतिं त्वं वामागम्यापि तथा त्वमिदं कृतं कन्या ओ हरिः। ओ मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं ओं त्रिकाक्ष मंगलाय स्तनो हरिः। तो फाइनली गाइज हम अब सोने जा रहे हैं, मतलब सुबह के 5 बज गए हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि थोड़ा सा लेट लेते हैं, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा और फिर देखते हैं कि हम कल दिल्ली निकलते हैं या फिर परसों निकलते हैं, जैसा भी होगा आपको वीडियो में बता देंगे। सो गुड नाइट, आप सब भी सो जाइए। तो गुड मॉर्निंग गाइज, तो अभी जो है रस्म चल रही है विदाई की, तो बस विदाई होने वाली है। जो भी बाराती लोग ठहरे थे और हमारे जीजा जी थे, बस अभी विदाई हो जाएगी और थाल में जो भी पैसे रखे जाते हैं, जो भी शगुन रखा जाता है वो दिया जाएगा और इसके बाद विदाई हो जाएगी। सुमित जी चलो दिन दिन चलते तो भाई, ओ भाई कुश्ती हो रही है। गाइस अभी हम कौची खेल रहे हैं शादी के बाद, था सुनो बहन की तो हमने विदाई कर दी है, तो अब हम क्या बोलूं मैं, वो सुन रहे मैंने देखो वो बंदा बैठा हुआ है बगल में, कहाँ है वो ये ऐसा सही इंसान है पर क्या बोले जाए इसको, इसको हम बोल रहे हैं सुनो, इसको हम बोल रहे हैं सिखाने के लिए, पर नहीं ये तो अपने लगे हुए हैं अस्कियों से, धोखा खाया उन्होंने, बहुत बड़ा धोखा खाया उन्होंने, ये नोएडा वाले थे और नोएडा वाले से धोखा खाया, बहुत बड़ा धोखा खाया है। तो फाइनली हम बाय बाय करते हैं घर को, बाय बाय, और ये टेम्पो में बाहर लोड हो चुका है, हम निकल चुके हैं, मैं फैमिली को बाय।
चलो सार की मतलब ये कह रहे हैं कि फोटो मतलब जाए में हम गांव से आए थे फोटो ली हमने से स्पेशली इसी को दिखाएंगे और ये तीन भैंसे मतलब गेट पे लटकी हुई है तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं बल्लभगढ़ स्टेशन। तो यहीं से सफ़र हमारा स्टार्ट हुआ था, हम शादी में गए थे बहन की अपनी करते हैं और यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन अभी घर पहुंच के थोड़ी सी बातें करेंगे। और बल्लभगढ़ स्टेशन पहुंच गए और ये हमारी ट्रेन है जिससे हम आए जिन शताब्दी। तो हाय गाइस, फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं और जो मेरा भाई है वो भी अपने घर पहुँच गया है और हमारी वीडियो कम्प्लीट हो चुकी है लगभग। तो बस वीडियोज़ में काफ़ी गलतियाँ हैं तो उनको माइंड मत करना। हाँ, ये मेरा भतीजा है छोटा सा, तो जो वीडियोस में गलतियाँ हुई हैं उनको माइंड मत करना। छोटी छोटी गलतियाँ हैं अभी क्योंकि स्टार्ट किया है ब्लॉगिंग चैनल मैंने। तो बाकी जो पूरा सफ़र था, पूरा जो जर्नी थी हमारी, बहुत अच्छी रही, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, डांस किया, मज़ा आ गया। मैंने शायद डांस किया, शायद वो ना दिखाया हो ब्लॉग में, बट मैंने डांस किया है तो मज़ा आया था बहुत ज़्यादा। और काफ़ी गलतियाँ हैं ब्लॉग में तो इस माफ़ कर देना, और सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और जितने भी मेरे इंस्टाग्राम पे फैंस हैं, दोस्त हैं, प्लीज़ वो भी मुझे सपोर्ट करें और हमारे मीना समाज ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करें। ये ब्लॉग जल्दी से जल्दी मैं अपलोड कर दूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज़, लव यू एंड प्लीज़ सपोर्ट, प्लीज़।